हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं वनवारी लाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं हेक्स न्यूज। तो देखते हैं जलपथ से जुड़ी खास खबरें। फिरोजाबाद पुलिस ने ऐसे वाहन चोर घोरों का पर्दाफाश किया है जो आसानी से सड़क पर खड़े वाहनों का ताला तोड़कर उसे गायब कर देते थे और फिर उसे दूसरे जिले में ले जाकर बेच दिया करते थे। अब इस गिरोह के 4 सदस्य पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस इनसे पूछताछ कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे वाहन चोरों की तलाश पुलिस को थी और आखिर फिरोजाबाद पुलिस के थाना लाइन पार ने अपने मुखबिर की सूचना पर रूपतपुर गांव के पास से चोरी के वाहनों के साथ गिरफ्तार किया। इन सभी के पास से 4 चोरी के वाहन भी पकड़े गए हैं। पकड़े गए 4 चोरों में से 3 आगरा के और 1 फिरोजाबाद का है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। तो देखते रहिए रविंद्र गौतम की ये रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए SHO लाइन पार ने अपनी टीम के साथ ये 4 मिलजवान की गिरफ्तारी करी है। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जिसमें 3 मुलजिम आगरा के रहने वाले हैं, भवनेश, वीरेंद्र, हरकेश, और इसके साथ में एक जितेंद्र नाम का लड़का पकड़ा गया है जो यहाँ फिरोजाबाद का रहने वाला है। इन 4 मुलजिमों के कब्जे से 3 बाइक्स और 1 स्कूटी बरामद हुई है। जो जानकारी की गई उसके हिसाब से ये आगरा शहर में वारदात करने के बाद में यहाँ ला कर के उनको खपाते थे, बेचते थे, और यहाँ से चोरी करने के बाद में आगरा शहर में खपाते थे। तो इस तरीके से इसके 4 मुलजिमों की गिरफ्तार हुई और 4 बाइक्स और स्कूटी बरामद हुई हैं। अभी हम इनको इंटरोगेट कर रहे हैं, जो इनके बाकी साथी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो आगरा शहर में और जो फिरोजाबाद में इसके अलावा भी कोई यदि इन्होंने चोरी की वारदात करी है उसको भी वर्कआउट करने का प्रयास कर। सर, या फिरोजाबाद से हटके भी कहीं और दूसरी अन्य जिलों में भी इस तरीके की वारदात दी है क्या उन्होंने? देखिए, मैंने आपको बताया ये कि 2 जिलों के बारे में पता चला है। आगरा में विशेष रूप से न्यू आगरा थाना क्षेत्र में इन्होंने 3 वारदात करी है जो कनेक्ट हुई है, और अभी 1 वारदात हमारे यहाँ कनेक्ट हुई है। इसके अलावा भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर इन्होंने कहीं और वारदात करी है और भी साथी हैं तो वो गिरफ्त में।